डियर वर्ल्ड कप गेट रेडी द टाइगर विल कमिंग सोन वाह 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 भाई 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 ओह सॉरी एक्साइटमेंट लेवल बहुत ही ज्यादा हाई हो गया है ओ हो 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 माई oh गॉड आज रोहित पौडेल ने भी सबसे सब पहले तो मैं सॉरी कहूंगा भाई रोहित पौडेल मैंने तुम पे शक किया कि तुम नहीं कुछ कर सकते लेकिन आज फाइनली तुमने यह प्रूव कर दिया है कि तुम कैप्टन हो या छक्के छक्के मार रहे हैं भाई साहब यह बाउंड्री मार रहे हैं नेपाल के आज मतलब कि हेड टू हेड था मरो या मारो उसमें जिस तरीके से नेपाल ने पूरे अपने सूझबूझ के और अच्छे तरीके से रन रेड को लेकर गया है और जिस तरीके से जहां पर अटैक करना था वहां पर अटैक जहां पर एकदम स्मूथली खेलना था वहां पर स्मूथली खेला है नेपाल आई नो कि दोस्तों आज का इस वीडियो का क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब है बट उसके पीछे कारण है मेरा कैमरा चार्ज नहीं था और मैं इतना एक्साइटेड हूं कि मैं अपने एक्साइटमेंट को रोक भी नहीं सकता हूं वीडियो बनाने से अब कैमरा चार्ज करूंगा उसके बाद में वीडियो बनाऊंगा उससे पहले घर पे एक फोन बिगा हुआ था उसी से रिकॉर्ड कर रहा हूं बट फाइनली जिस चीज का इंतजार था भाई क्राउड में एकदम से वो माहौल बना हुआ था नेपाल के जीतने के बाद में और एक पल के लिए थोड़ा सा इमोशनल भी कर दिया था वो सीन जब दस साल के बाद नेपाल वर्ल्ड कप के लिए अब क्वालिफाई हो चुका है अभी अभी तो नेपाल में क्रिकेट राइज हो रहा है और ऐसे में नेपाली टीम की इतनी बड़ी सफलता के बाद सारा लोग खुशियां मना रहे हैं जिस तरीके से नेपाल का जीत हुआ है मतलब कल का जो खेल हुआ था ओमान से उसमें हारने के बाद मुझे नहीं लग रहा था कि नेपाल अब क्या करेगा आगे लेकिन भाई नेपाल ने कर दिखाया और सच में जो कहा जाता है ना कि हटे होइना डटी लड़ने नेपाली को बानी हूंसा कई लेना झुकने सिर उभे को नेपाली स्वाभिमानी मानी मरते दम तक लड़ते रहे वो लोग लास्ट लास्ट में जाकर फाइनल में आखिर जीत हासिल कर ही के छोड़ा और भाई खुशी क्या होता है खुशी यही तो है जिस तरीके के खुशी आज मुझे मिल रहा है गेम को लेकर आज तक मुझे किसी भी गेम में किसी भी पर्टिकुलर गेम को देखकर मुझे उतना खुशी नहीं हुआ जितना आज नेपाल के सेमीफाइनल को जीतते हुए देखना नेपाल को वर्ल्ड कप के लिए सलेक्शन होते हुए देखना देखकर भाई एक्साइटमेंट के साथ साथ थोड़ा इमोशनल भी हो गया हूं और अपने आप को रोक नहीं पाया भाई कि थोड़ा कैमरा चार्ज करके आप सभी के लिए वीडियो बनाऊ भाई तारीफ तो सभी खिलाड़ियों की करना पड़ेगा जो जो जितने भी लोग हैं नेपाली एलेवन प्लेयर में सभी ने अपना बेस्ट दिया है आज और खास करके बैट्समैन की बात करें तो कुशल भुरतेल बहुत ही बेहतर किए हैं उसके बाद में आसिफ शेख ने भी बहुत ही ज़्यादा सबसे अच्छा रन उन्होंने ही मारा और बाद में जाके रोहित पौडेल ने भी बहुत ही अच्छा खासा संभाला और गुलशन झा भी अपने आप बहुत ही अच्छा स्टैब्लिश करके एक रन रेट अच्छा लेकर गए थे मतलब ओवरऑल सभी प्लेयर ने एक होकर नेपाल के लिए आज खेला है आज नो डाउट ये समझ लेना कि आज अरना बियर का जो उपहार है उसके कारण नहीं नेपाल को सिलेक्शन करवाने के लिए जहां पर हिट मारना था वहां पर हिट मारे हैं जहां पर बाउंड्री लगाना है वहां पर बाउंड्री मारा है और जहां पर रोक कर खेलना था वहां पर रोक कर खेले हैं जहां पर एक रन लेना था वहां पर एक रन लिया है मतलब कि ओवरऑल पूरे एकदम से फोकस होकर गेम को आज जीते हैं तो सभी को हैड्स ऑफ है अंतत में आप सभी से कहना चाहूंगा कि इस सक्सेस के पीछे एक बहुत ही बड़ा आदमी का हाथ है वो है इस टीम का कोच मोंटी देसाई जो कि वो कहते हैं ना कि पर्दे के पीछे का हीरो वो है मोंटी देसाई खेल को पूरे तरीके से मैनेज करना नेपाल के क्रिकेट को इतने बड़े लेवल पर लेकर आना राइज करना ये सभी क्रेडिट जाता है मोंटी देसाई को जिन्होंने अपने आ, कोच कोचिंग के अंदर इन सभी टीमों को इतना बेहतर बनाया बाकी दोस्तों आप सभी कितना एक्साइटेड है नेपाल को अब वर्ल्ड कप में देखने के लिए और किस से भिड़ते हुए देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई फाइनली 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 दस साल के बाद अब नेपाल का शेर दहाड़ेगा वर्ल्ड कप में आई एम रियली 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 एक्साइटेड फॉर दैट दोस्तों मैं अपने एक्साइटमेंट लेवल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं बहुत ही जल्द आप सभी के सामने दूसरा एक वीडियो लेकर आऊंगा तब तक अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि वर्ल्ड कप कमिंग सुन द टाइगर्स विल सी यू मतलब कुछ भी लिख सकते हो कि नेपाली शेर आपके ग्राउंड में आने के लिए अब तैयार है